हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक और जहां आक्रोश में अन्नदाता है, वहीं किसानों के इस आंदोलन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेसी नेता जिस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी एक्सचेंज ने 6 या 7 बार पंजाब के सीएम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के सीएम ने हमसे बात तक करना उचित नहीं समझा। हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है। साथ ही सीएम ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से केंद्र में बैठे मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत करने की अपील की है। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है, और वो भी किसानों की बजाय वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहां से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी, मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने 2-3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो ये उनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है, और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। आखिर अब केंद्र सरकार में भी हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने, सबने कहा है कि आप अपनी संख्या बताइए कितने लोग आएंगे और हम 3 तारीख को बात करेंगे। अब डेट का आगे पीछे करना होगा तो वो करेंगे, अन्यथा बातचीत ही इसका एक माध्यम है और कोई रास्ता नहीं। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। ये निंदनीय भी है। लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फोन किया, उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे, अब कराते हैं, 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहां है। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति के एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा, आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं, इवन इससे पहले इमरजेंसी कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिला, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन सदन करने के बाद भी कम प्रदर्शन।